नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हर गुजरते दिन के साथ हिंदुस्तान के भीतर हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली हो या फिर देश का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह चीख पुकार मची हुई है। और दिल्ली में तो स्थिति यहां तक खराब होती हुई चली जा रही है। लगातार एक के बाद एक कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की जान जा रही है। डॉक्टर बेसहाय खड़े हुए हैं, वो मरीजों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। इन सबके बीच मरीज और उनके तीमारदार सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी इस स्थिति का, हमारे इस हालात का आज के दिन अगर हमें ये रूप देखना पड़ रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस देश के सिस्टम से आज सीधे हम सवाल पूछेंगे कि आखिर वक्त रहते इंतजाम क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हाहाकार मचाने वाली तस्वीरें हिंदुस्तान के हर एक हिस्से से जिस तरह से सामने आ रही हैं उसने पिछले एक सालों को लेकर भी कई सवालों को जन्म दे दिया है। इन सबके बीच आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग एक के बाद एक लगातार जारी है ताकि ऑक्सीजन की किल्लत जो देश के कई हिस्सों में राजधानी दिल्ली समेत बनी हुई है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, दुरुस्त किया जाए, लेकिन अब तक पूरी तरह से उसमें कामयाबी मिल नहीं पाई है। आखिर कब होंगे हम कामयाब? कोरोना के इस दूसरे संक्रमण के बढ़ते वेव के आगे आखिर क्यों है हम इतने लाचार? कौन है इसका दोषी? किसकी होती है जिम्मेदारी, किसकी होती है जवाबदेही? दंगल में आज इसी विषय पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। जब मेडिकल ऑक्सीजन टूटती सांसों के लिए जरूरी हो गया तो भारतीय वायुसेना की मदद लेनी पड़ी है। वायुसेना का एक C-17 विमान सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर भारत ला रहा है। इस बीच ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भी हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन संबंधित मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी माफ करने का फैसला हुआ है, लेकिन जब तक सरकार एक्शन में आई है हर ओर अफरा तफरी मच चुकी है। बीती रात दिल्ली में जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कम 25 मरीजों की मौत हो गई। मेरे फादर रात को पूरी कंडीशन अच्छी थी, मिलके गया हूँ। डॉक्टर का कॉल आया रात को 12 बजे, मेरी मोम एक्सपायर हुई है अंबेडकर हॉस्पिटल में, मेरी आंखों के सामने ही। रात को 1 बजे इनका कॉल आया कि आपके फादर का एक बार मिल लीजिए, आगे यहाँ आया हूँ तो आपके फादर एक्सपायर हो गए हैं। मैं कहा किस रीजन से? ऑक्सीजन के रीजन से। इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ, ऑक्सीजन का सिलेंडर मैं 6 अरेंज करा देता कि मुझे बता देते, तो रात को बता रहे हैं जब डेथ हो चुकी है पेशेंट की। जैसा कि बताया गया कि 9:55 रात को, 9:55 रात 9:55 पे इनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। जबकि डॉक्टर्स को, मैनेजमेंट को ये पता होता है कि हमारे पास कोटा कितनी देर का बचा हुआ है, तो वो अगर चाहते 2 घंटे पहले अगर पेरेंट्स को बताते कि भाई आपके पेशेंट के लिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो हम भागते दौड़ते कहीं से ब्लैक में लाते, कोशिश करते अपने पेशेंट को बचाने की कोशिश तो करते। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में इतनी मौतों के बाद अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए और भर्ती मरीजों के रिश्तेदारों से खुद ऑक्सीजन का इंतजाम करने को कहा है। लोग इंतजाम कर रहे हैं खुद ही सिलेंडर का, क्योंकि बोल दिया गया अस्पताल की तरफ से कि आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद लेकर आइए। सामने देखिए भारी भरकम यहाँ पे सिलेंडर आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा। जो परिजन है वो अंदर गए हैं पूछने के लिए कि क्या मैं सिलेंडर अंदर पहुंचा सकता हूँ या नहीं। उन्हें एक पर्ची बनानी होगी और उसके बाद ये भारी भरकम सिलेंडर जो कि ऑक्सीजन से भरा हुआ है वो यहाँ से अंदर लेकर जाएंगे। जो महिला यहाँ पे नजर आ रही है उन्होंने भी एक सिलेंडर अपने मरीज के लिए अंदर पहुंचाया। तो ऐसे कई हमें यहाँ पर घर वाले मिले मरीजों के जो ये बता रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से उन्हें फोन आया, उन्हें कहा गया कि आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद लेकर आइए। सिर्फ एक दिल्ली के गोल्डन जयपुर अस्पताल नहीं बल्कि अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में भी कम से कम 5 लोगों की मौत ऑक्सीजन न मिलने से हुई है। इस बीच जब ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है तो एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रवैया दिखाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये दूसरी लहर नहीं है बल्कि एक सुनामी है और अभी भी नए मामलों में तेजी आ रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मई के मध्य में ये पीक पर पहुंच जाएगा। हम इसकी तैयारियां कैसे कर रहे हैं? दिल्ली के 4 अस्पताल आज ऑक्सीजन की किल्लत पर हाईकोर्ट के सामने आए थे। दिल्ली से पंकज जैन, मिलन शर्मा और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। ऑक्सीजन पर आखिर क्यों सोते रहे सरकार? सवाल हर एक सरकार से, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्यों की हो या फिर आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जिस तरह से राजनीतिक लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है ताकि कम से कम महामारी के इस दौर में वो एक साथ
मिलकर काम कर सके, क्योंकि रोते बिलकते हुए ये जो तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं यकीनन चीख पुकार या लिए ये तस्वीरें हर किसी को विचलित करती हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता संजीव झा जुड़ चुके हैं जो कि विधायक भी हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी कुछ देर में जुड़ेंगे। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल जहां पर 20 मरीजों की जान चली गई है ऑक्सीजन न होने की वजह से, वहां से डॉक्टर डीके बलूजा हमारे साथ मेडिकल डायरेक्टर जुड़ेंगे, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर रवि मलिक सीएमडी रेडिक्स हॉस्पिटल के इस वक्त हमारे साथ हैं, और साथ ही डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जो कि इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन शुरुआत संजीव झा आपसे ही करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियां आपने सुनी, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर क्या की गई है? सीधे सीधे दो टूक कहा गया है कि आप लोगों की ओर से तो वादा किया गया था घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का, और ऑक्सीजन के लिए आप लोगों के पास टैंकर तक नहीं थे, ये स्थिति हो गई, और ठीक रहा आप लोग दूसरों के सर मरने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव झा, चित्रा जी, मुझे लगता है कि अगर हाईकोर्ट की पूरी टिप्पणी को अगर देखेंगे तो फिर समझ में आएगा, लेकिन दिल्ली में जो कुछ भी घटना है वो हृदय विदारक है। मुझे ये लगता है कि इस बात की पिछले 7 दिन से बातें हो रही हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन एक ऐसी कम्युनिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करती है सभी स्टेट्स को। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के संपर्क में थे, इस बात की इत्तला करते रहे थे कि हमें दिक्कतें हो रही हैं, हमारे जो 378 मीट्रिक टन है वो भी हमें नहीं मिल रहा है। पिछले अगर आप 7 दिन की रेशियो देखेंगे तो कभी भी 250 मीट्रिक टन से ऊपर हमारी सप्लाई नहीं हो पाई, जबकि हमें 700 मीट्रिक टन की जरूरत थी, और इसके लिए उसके कारण अफरा तफरी दिल्ली में है। तो मुझे ये लगता है कि अगर समन्वय नहीं होंगे तो ये दिक्कतें होंगी, और समन्वय कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक स्टेट ये चाहता है कि ऑक्सीजन उनके, अगर उन प्लांट उनके यहाँ है तो ऑक्सीजन उन्हीं के यहाँ रहे, और इस बात की भी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिया था। तो मुझे ये लगता है कल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था, मुझे लगता है उस पर सख्ती से जब तक काम नहीं किया जाएगा तब तक ये अफरा तफरी की माहौल रहेगा। मुझे ये लगता है कि जितने भी हॉस्पिटल्स दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बार बार लगातार हाईकोर्ट जा रहे हैं, कुछ जगह दुर्घटनाएं की खबरें आ रही हैं, मुझे लगता है कि ऑक्सीजन के कारण अगर किसी पेशेंट की मृत्यु हो रही है तो इससे और बड़ा हृदय विदारक कोई दूसरी घटना हो नहीं सकती है। तो सर, यही तो सवाल है ना, ऑक्सीजन की वजह से अगर किसी पेशेंट की जान चली जाती है तो इससे शर्मनाक संजीव जी हम लोगों के लिए, हम सब के लिए कुछ हो नहीं सकता है। और दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी भी लगातार मैं दिखा रही हूँ टीवी स्क्रीन पर, 15 मई तक उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है और कहा है कि अगर पीक आएगा तो क्या उसके लिए हम तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई की रुकावट में अगर कोई भी बाधा बनता है तो उसको सूली पर हम चढ़ा देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के सख्त टिप्पणी का मतलब हर एक राजनेता को समझना चाहिए कि हाईकोर्ट की यह टिप्पणी दरअसल एक आम आदमी की चीख पुकार को बताता है, जिस तरह की भयावह स्थिति इस वक्त हिंदुस्तान में पैदा हुई है। और इसी सवाल के साथ डॉक्टर रवि मलिक, जैसे ही संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ेंगे आप प्लीज बताएगा उनसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन डॉक्टर रवि मलिक, एक तो दिल्ली हाईकोर्ट की ये जो टिप्पणी है ये क्या बताती है, और मौजूदा स्थिति में सर चूंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है, ऑक्सीजन सप्लाई सुचारू चले उसको लेकर मैराथन बैठकें की जा रही है, लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान, राजधानी दिल्ली, उसके आसपास के इलाके आपको कहां खड़े नजर आते हैं? बहुत ही भयानक स्थिति है। मैं खुद कोविड का अस्पताल दिल्ली में चलाता हूं। मैं आपको कुछ मैसेजेस पढ़ के बता रहा हूं जो कि हमारा ग्रुप है जिसमें कि हमारे हॉस्पिटल ओनर्स हैं सारे, सुनिए। सर प्लीज हेल्प, 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है मक्कड़ हॉस्पिटल, दिस इज 50 बेडेड हॉस्पिटल जिसमें 50 मरीज कोविड के एडमिट हैं, वो गुहार लगा रहा है 12 बजे। छाया, सर इमरजेंसी, वी हैव ओनली 1 आवर बैकअप ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, इनके पास में 100 पेशेंट है, सिर्फ 1 घंटा इनके पास ऑक्सीजन। ये मैं प्रॉपर मैसेजेस पढ़ रहा हूं आपको। अगला हॉस्पिटल धर्मशिला 3 बजे, सर शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन, प्लीज डू समथिंग, 5 बजे। डॉक्टर साजिद लाइफलाइन हॉस्पिटल, सर ओनली 2 सिलेंडर्स लेफ्ट, 30 to 40 minutes आर लेफ्ट फॉर ओनली दिस थिंग। उसके बाद में कोविड की ऑक्सीजन हेल्पलाइन पे मैंने खुद फोन किया सुबह दिल्ली की, उन्होंने कहा हमारे पास अभी कुछ नहीं है, आधे घंटे में मदद करेंगे, अभी तक मदद नहीं आई। मैं आपको बता दूं अगर ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत होती है तो यह बहुत बड़ी नेग्लिजेंस होगी। अभी तक सर आपको मदद नहीं मिली है, सप्लाई आनी चाहिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी चीज है। आप ये बता रहे हैं कि अभी तक मदद आपको नहीं मिली है कई बार कहे जाने के बावजूद? देखिए अभी भी हमारे हॉस्पिटल में मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे का गैपअप है, लिक्विड ऑक्सीजन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। 4 घंटे के बाद अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती, ये केवल मेरे हॉस्पिटल की बात नहीं है, सारे हॉस्पिटल्स में यही चल रहा है, नेक टू नेक 10 सिलेंडर आते हैं 5 घंटे निकल जाते हैं, 2 सिलेंडर आते हैं 1 घंटा निकल जाता है, 3 सिलेंडर आते हैं
और डेढ़ घंटा निकल जाता है। इस तरह से काम नहीं चलेगा। वी नीड लिक्विड ऑक्सीजन। और मैं ये बता दूं, दिल्ली के अंदर एक भी लिक्विड ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट नहीं है, जहां तक मेरी नॉलेज है। इस तरह से काम नहीं चल पाएगा, इस तरह से मौतें होंगी। एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चार दिन से ये स्थिति चल रही है, तुरंत अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इट कैन एक्सप्लोड, इट कैन किल मेनी पीपल। देखिए, कोविड की वजह से अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है सारा इलाज करने के बाद, बड़ी दुखद बात है, लेकिन उसके अंदर फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत होती है तो यह हत्या मानी जाएगी। पात्रा, बिल्कुल डॉक्टर संबित पात्रा, यही बातें दिल्ली हाईकोर्ट भी कह रहा है। और आज तक कभी भी इतनी बेबसी डॉक्टर संबित हमने किसी डॉक्टर की नहीं देखी है। वो इलाज करने के लिए तैयार है लेकिन उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। और यहां पर तो डॉक्टर रवि मलिक लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पास बहुत कम ऑक्सीजन सिलेंडर है, प्लीज हमें मदद किया जाए, लेकिन अभी तक मदद पहुंची नहीं है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार और कौन करेगा इसकी आपूर्ति? सर, क्या पूरा का पूरा देश, हिंदुस्तान, राजधानी दिल्ली, उसके आसपास के इलाके भगवान भरोसे ही रहे? संबित पात्रा चित्रा जी, पहले तो आप जितने भी हमारे पैनलिस्ट भाई और बहन बैठे हुए हैं और करोड़ों लोग जो देख रहे हैं, सभी सुरक्षित रहे, ये मेरी प्रार्थना है। और बिल्कुल वाजिब विषय है आपका। और डॉक्टर रवि हमारे साथ 3-4 दिन से डिबेट में है, बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने अपने विषय को हमेशा रखा है। मैं चाहता नहीं हूं तू मैं हूं, मगर चूंकि आपने अकाउंटेबिलिटी के विषय में पूछा है तो तथ्यात्मक रूप से मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप भूल जाइए मैं एक राजनेता होने के नाते क्या कहूंगा, क्योंकि वो तो स्वाभाविक है, मैं अपने सरकार को बचाने की कोशिश करूंगा। मगर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने, ये दिल्ली हाईकोर्ट के ओरल ऑब्जर्वेशन और जजमेंट मेरे सामने है और आप सभी चैनल्स ने भी उसको दिखाया है। क्या कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट में पहले तो जाके जो काउंसिल थे दिल्ली सरकार के, उन्होंने कहा कि हमें तो 480 मेट्रिक टन दे दिया गया, मगर हमारे पास वो 480 मेट्रिक टन आया नहीं। जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, देखिए सरकार ने आपको किन किन प्लांट से कहां कहां से कितना मेट्रिक टन आएगा ये आवंटित कर दिया, बाकी सभी राज्य अपने क्रायो टैंकर्स लेके जा रहे हैं, वहां से फिलअप करके ला रहे हैं, अपने हॉस्पिटल में सप्लाई कर रहे हैं। व्हाई आर यू वेटिंग टू बी स्पून फेड? आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी होगी? आपके पास क्रायो टैंकर्स कहां है? और जो एग्जैक्ट शब्द कहा है वो आप देख सकते हैं, लाइव लॉबे ट्वीट भी हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। द ऑक्सीजन सप्लाई हैज प्राइमरी really being affected due to the non-arrangement of cryogenic tanks by the GNCTD. आगे कोट स्पष्ट रूप से कहती है कि क्या कर रहे हैं आपके जो मुखिया हैं, आपके जो मुखिया हैं वो खुद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रह चुके हैं, उनको तो ये सब निटिकिटी समझना चाहिए था। 3 दिन बीत गए, आपको 480 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिया गया, अलॉटमेंट बढ़ाई गई, 3 दिन तक आपके ऑफिसर क्या कर रहे थे? इस पूरे विषय पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं किया? जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल जहां आज दुखद मृत्यु हुई है, उनके काउंसिल मौजूद थे, कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपकी क्या परेशानी हुई, क्यों ऑक्सीजन समाप्त हो गया? उन्होंने कहा कि हम दिन रात फोन करते रहे दिल्ली के नोडल ऑफिसर्स को, एक भी नोडल ऑफिसर ने हमारा फोन नहीं उठाया। बदले में कोर्ट ने कहा, द नोडल ऑफिसर्स आर एब्सेंट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड में कोई नोडल ऑफिसर नहीं है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि इस प्रकार से काम नहीं चलने वाला है। 3 दिन पहले जो हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था वो भी आपने पढ़ा होगा, पैराग्राफ नंबर 15 में कोर्ट ने कहा है कि जब 20 दिसंबर को 2020 में 8 PSA प्लांट्स के लिए आपको पीएम केयर फंड से सैंक्शन हो गए थे पैसे, आपने केवल 1 PSA प्लांट क्यों लगाया, बाकी 7 PSA प्लांट के लिए आपने जमीन आवंटित क्यों नहीं किया? इसका कॉम्प्लायंस ऑर्डर अगली सुनवाई में आप तैयार रखिए, दिल्ली सरकार को कोर्ट ने कहा। संजीव झा से मैं इसका जवाब लूंगी। कोर्ट ने कहा है कि आप अपने टैंकर लेके जाइए, लेकिन गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, बाकी भी हिस्सों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 4 घंटे तक रिक्शे में लेकर अपनी पत्नी को घूमता रहा गुजरात में एक शख्स, और अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर उनकी वाइफ ने दम तोड़ दिया क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। इसी तरह की तस्वीर संबित पात्रा उत्तर प्रदेश की भी सामने आ रही है, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन उसके पहले इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर डीके बलूजा, जो कि मेडिकल डायरेक्टर है जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल राजधानी दिल्ली की। और आपको बता दें कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि इनके हॉस्पिटल में 25 मरीजों की जान चली गई क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया था। इसके लिए सीधे सीधे किसको जिम्मेदार मानते हैं आप डॉक्टर? खोल के बोलिए, आप क्या दिक्कतें हैं आप लोगों की? किस तरह से सरकारी सिस्टम जो देश का है या फिर प्रदेश का है, राजधानी दिल्ली का है, वो आप लोगों को मदद नहीं कर रहा? मैडम, मैं आप में से किसी को भी ना गुड डे बोलूंगा ना गुड इवनिंग बोलूंगा। दिस इज द सैडेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। ऐसा दिन भगवान कभी किसी प्रोफेशनल को ना दिखाए कि आप अपने आप को इतना कमजोर और बेबस समझे कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपने मरीज के लिए कुछ नहीं कर सकते।
अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे को 3 दिन पहले आज से 22 तारीख को एक इंस्ट्रक्शन जारी की थी श्री उदित प्रताप राय जी, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिल्ली गवर्नमेंट। उन्होंने हॉस्पिटल्स के कोटे फिक्स किए थे, जयपुर गोल्डन को 3.6 मेट्रिक टन अलॉट किया था पर डे मीन्स विद इन पर 24 आवर्स, और ये हमें सारी सप्लाई मिली थी इनॉक्स से। मुझे 22 तारीख को इनॉक्स ने सप्लाई करी 5:30 बजे मेरे कोटे के 3.6 और 3.7 के करीब दिया उसने। उसके बाद नेक्स्ट रीफिल वाज ड्यू आफ्टर 24 आवर्स, दैट इज यस्टरडे 5:30। मैंने उनसे चेक किया दोपहर को 2:30-3 बजे, भाई सब कुछ ठीक है, आप भेज रहे हो? हाँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ, आपके लिए बताऊं मैं, नॉर्मली इनॉक्स वाले जब ऑक्सीजन हमें भेजते हैं तो एक डिस्पैच नोट आ जाता है हमें सुबह, जिसमें लिखा होता है कि गाड़ी नंबर क्या है, अगर आपने ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करना है, कहां से आ रही है, कितने घंटे में पहुंचेगी, कौन ड्राइवर है, क्या क्या। इस बार उन्होंने हमें कोई नोट नहीं भेजा डिस्पैच का, तो मेरे को थोड़ा सा ये डाउट हुआ कि ये कुछ प्रॉब्लम वाला कार है, ये हमसे शेयर नहीं कर रहे। तो मैंने इनसे 6:30-7 बजे से कम्युनिकेशन करना शुरू किया कि भाई हमारी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी इनॉक्स के ऑफिशियल ने, दे वर जस्ट आउट ऑफ द कम्युनिकेशन। मैंने फिर गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, उसमें ट्राई किया, उसमें मैसेजेस किए, उसमें एक दो रिस्पांस आए, मैं ये नहीं कहता नहीं है, बिल्कुल रिस्पांस आए, एंड दे वर सिंपैथेटिक कि हम कुछ करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। मैंने अपने लेवल पे अपने नेटवर्किंग से दूसरे हॉस्पिटल से मदद मांगने की कोशिश की कि कंटिजेंसी हो जाएगी हमारे को, तो मुझे ये था कि मैं 8-9 बजे तक भी संभाल लूंगा, आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, किसी से भी कोई मदद ऐसी नहीं मिली उस समय हमारे को। इस सारे दौरान में हम तकरीबन आप समझिए 11 बज गए रात के, और मेरे पास में उस समय तकरीबन 225-30 के करीब मरीज थे, जिसमें आईसीयू में भी थे 55-60 के करीब। अब ऑक्सीजन का लेवल होता जा रहा है डाउन, और हमको जो है अपना जो रिजर्व स्टॉक होता है, समीर पात्रा जी समझेंगे, डॉक्टर है सर, वो जो गैस मैनिफोल्ड होता है हमारा जो D2 सिलेंडर्स के साथ, उसका हमने 50 सिलेंडर का बैकअप लगाया, दैट इज द लास्ट रिपोर्ट वी कैन हैव। और जैसे ही वो उसमें टैंक में से जब ऑक्सीजन बिल्कुल नीचे चली जाती है तो उसका प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाता है। इस दौरान में हमें इनॉक्स वाले ने एक मैसेज किया कि मैं आपको एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से एक टैंकर है आपकी तरफ डाइवर्ट कराया है। हमने पुलिस से बात की, पुलिस ने हमारी काफी मदद की, उन्होंने उस टैंकर को जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश की, और एक इनके नोडल ऑफिसर के थ्रू मिस्टर जतिन है, उन्होंने एक बोला कि मैंने बाबा साहब अंबेडकर के आपके लिए एक टैंकर का अरेंजमेंट किया, पॉपअप, लाइक नॉट टैंकर, पॉपअप इन इमरजेंसी। अब वो उन्होंने किया इधर से जो काम 15-20 मिनट में अंबेडकर से आना था, ये सारे चक्कर में 12 बज गए, हमारा रिजर्व भी बिल्कुल डिप्लीट होता जा रहा था। अब जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर डाउन हुआ, हम ये टैंकर पहुंचे हमारे पास, तब तक जो है आज समझिए तकरीबन 20 डॉक्टर बलूजा, मैं संक्षेप में चाहूंगी, मौजूदा वक्त में आपके हॉस्पिटल में कुल कितने पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, और आपके पास कितने वक्त तक के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता है? मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो थोड़ी सी समझने के लिए बहुत जरूरी है सारे कॉन्टेक्स्ट में। हमारे पास में जो रात को ये 20 डेथ हुई विद इन स्पैन ऑफ हाफ एन आवर, जब तक कि हम स्टेबलाइज कर पाए सारे सिस्टम को, और हमारे जो इमरजेंसी सप्लाई दी गई वो सिर्फ 1500 लीटर थी, दैट इज 40% ऑफ माई रिक्वायरमेंट टू बी गिवन टू मी आफ्टर द डिले ऑफ 7.5 आवर्स। इस तरह की सप्लाई का मैं कैसे हॉस्पिटल जाऊंगा, क्या करूंगा? 1500 लीटर दे के गए हमारे को, हमने चलाया है, आज मेरे पास अभी भी तकरीबन 215 पेशेंट है जिनमें से 150 पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं, और मेरे को जो 1500 लीटर दी गई है वो 8 बजे से मेरा फिर क्राइसिस शुरू हो गया। हम सुबह से शाम आवर टू आवर क्राइसिस में ही फंसे हुए, हमें ये नहीं पता हमारा नेक्स्ट 2-3 घंटे कैसे निकलेंगे। मुझे, मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने लोग बैठे हैं प्लीज, ऐसे मेरा एक डिजास्टर हम रात को भुगत चुके हैं, सुबह जो हमारे को ऑक्सीजन आई है, जो जब बिल्कुल हमारा सेकंड डिजास्टर शुरू होने वाला था इन अदर 5 मिनट्स विच वॉज अवॉर्डेड विद अदर 200 पीपल लाइफ एट स्टेक, वो अवॉर्ड किया कि 1500 लीटर मिल गया हमारे को। अब ये 1500-1500 लीटर आप हमें, हमारा जो कोटा फिक्स किया आपने डेली वो हमें दीजिए, हम आपसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगेंगे। हमारे पास हॉस्पिटल में नर्सें हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, सारा लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है, 30 वेंटिलेटर है, बाईपैप्स है, NIVs है, हाई नेजल कैनुला है, लेकिन ऑक्सीजन मेरे हाथ में नहीं है मैडम, प्लीज, दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, वेयर आई फील हेल्पलेस एज बीइंग अ मेडिकल डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल, वेयर आई फेल टू हेल्प माई पीपल।
आई होप somebody आपके इस बात को, आपके इस पीड़ा को, इस दर्द को हम सब समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स अपने मरीज की जान बचाने के लिए लगातार आखिरी वक्त तक लगे रहते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता नहीं हो तो वो चाहकर भी क्या कर लेंगे। इस देश के सिस्टम के ऊपर ये तमाचा है अगर इस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं। बिल्कुल मेरी आंख के सामने पेशेंट मर गए मैडम, 20 पेशेंट मेरी आंख के सामने मर गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अपने प्रोफेशन पे लानत लगती है। आई एम सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। आपका ये जो दर्द है इस बात को हम समझ सकते हैं और यकीनन किसी भी डॉक्टर्स के लिए आप इससे ज्यादा पीड़ा की बात कोई हो नहीं सकती। और संजीव झा जी, आपके लिए भी, आपकी सरकार के लिए भी, और डॉक्टर संबित पात्रा तो खुद भी डॉक्टर हैं, आपके लिए भी जरा सोचिए। आज का ये वक्त जब एक डॉक्टर इस तरह से अपनी बातें कहते हुए अपने अपनी आंखें भर लेता है इस सिस्टम से त्रस्त होकर, तो यह हम सबके लिए कितनी शर्म की बात है। और संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी की सरकार तमाम दावे करती है। अभी इसी अप्रैल के महीने में ही शुरू में तो बहुत दावा किया गया कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ यहां पर भरा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद यह स्थिति, डॉक्टर को सुन रहे हैं आप, उनकी पीड़ा से आप लोगों को तकलीफ होती है या नहीं होती है संजीव झा? चित्रा जी, मैं भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं, और जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए इससे दुखदाई पल कुछ हो नहीं सकता कि ऑक्सीजन के अभाव में पेशेंट की डेथ हो रही है। लेकिन समस्या जो है उसको समझना पड़ेगा। देखिए, दो बातें संबित पात्रा जी ने कहा। एक बात इन्होंने कहा कि 8 हॉस्पिटल्स में पीएम केयर्स के फंड से कंसंट्रेटर लगाने की बात हुई थी जो नहीं लग पाई। अब देखिए, इस सच्चाई को जनता के सामने आनी चाहिए कि कंसंट्रेटर के लिए दिल्ली सरकार केवल जमीन देनी थी, बाकी टेंडर इन्होंने किया था, उनको करवाना इनको था। एक ही कॉन्ट्रैक्टर को पूरे देश में ये कंसंट्रेटर लगाने की जिम्मेदारी दे दी गई। हमारे यहाँ 7-8 के 8 जगह काम तो शुरू हो गया, पर अभी तक इंस्टॉल नहीं हो पाया। दिल्ली सरकार जो कॉन्ट्रैक्टर, वो दिल्ली सरकार की बात नहीं सुन रही। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आज ही कोर्ट ने भी कहा, देखिए आज हमारी एलोकेशन, पहली बात तो जो केंद्र सरकार के ऊपर ट्रांसफर करते रहेंगे आप लोग। सर, ये टोपी पहनाने वाला काम ना छोड़ दीजिए। चित्रा जी, सर, ये टोपी पहनाने वाला काम समझना तो पड़ेगा ना, आप समझना तो पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम का, अगर प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो हम कितने भी डिस्कस क्यों ना करते, समाधान नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं कि समाधान निकल सकता, हम दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक लाइन पे काम करना पड़ेगा। 378 मेट्रिक टन हमारी, हमें पहले रेगुलर एलोकेशन था, पिछले हमने कोर्ट में भी दिया है कि किसी भी दिन 300 मेट्रिक टन से कमी हमें मिला है, जो एलोकेशन था वो भी नहीं मिला। और 100 एलोकेशन जो बढ़ा दिया गया, वो मुझे लेना था उड़ीसा से और वेस्ट बंगाल से। केवल 4 वेंडर पूरे देश में जो क्रायोजेनिक टैंक अवेलेबल कराते हैं। तो हमने सुप्रीम हाई, माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा है, ठीक है, मैं समझ गई, सारा दोष केंद्र सरकार के मध्य मंडल की, आप कोशिश करेंगे, आपकी कोई गलती नहीं, 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 और वहीं उधर से भी होगा, ठीक है सर। लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर बलूजा, नहीं 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 समझ गए संजीव झा जी, मैं आपकी बात, 25 अस्पताल में ऑक्सीजन की मौत, 25 सर, समस्या समस्या को समझना ही था, तो फिर हम लोग समस्या को समझने के लिए है सर आम आदमी, फिर सरकार की क्या जरूरत है इस देश में या प्रदेश में? फिर तो जरूरत नहीं है ना, अगर समस्या को अब समझाने के लिए यहां पर आपको बैठाया जाएगा तो समस्या का समाधान क्या है ये आपको बताना होगा ना। डॉक्टर बलूजा, एक बार फिर से मैं आपके पास आते हुए, सर मैं समझ सकती हूं कि आपकी मानसिक स्थिति इस वक्त क्या है, यकीनन किसी के लिए भी, हम सब के लिए आपकी भावनाओं को इस वक्त समझ पाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 25 लोगों की जान, वो भी तब जब लगातार आप लोग आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहे, आपने ये भी जानकारी दी कि इधर से उधर फोन मिलाते रहे, लेकिन आखिरी वक्त तक किसी ने भी मदद नहीं की। समाधान क्या हो, आगे ऐसा क्या हो कि दोबारा ऐसी परिस्थिति किसी भी अस्पताल में पैदा ना हो? डॉक्टर बलूचा मैडम, या तो हमें खाली आश्वासन या भरोसे के बस पे हम नहीं चलने वाले कि वी हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ गिविंग पेशेंट कोविड पेशेंट इन द हॉस्पिटल। अब पेशेंट को एडमिशन बंद कर रखी है कि हम इतना ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं कर पा रहे हैं, हमको कम से कम जो अपना रिजर्व बहुत बढ़ाना पड़ेगा और लोड घटाना पड़ेगा। वो हालांकि इस पेंडेमिक में ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा टाइम ना आ जाए कि ऐसा मजबूर हो जाए कि बाकी भी हॉस्पिटल पेशेंट को लेने से मना कर दे कि जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, आप अपने भरोसे आइए। मेरे को इससे नहीं है, ये दिल्ली सरकार है या भारत सरकार है, मुझे पता हम सारे भारत के नागरिक है एंड वी शुड बी प्राउड इंडियंस एंड बिहेव लाइक प्राउड इंडियंस। मैंने बाहर भी, हिंदुस्तान के बाहर भी काम किया, 42 साल का मेरा तजुर्बा है हेल्थ केयर सिस्टम में, लेकिन ऐसा बद किस्म का इंतजाम, ये जिसको कहते हैं कि
बिल्कुल नाकाबिले सोच है ये कि ऐसे भी एक इंसान की जिंदगी सिर्फ इस खातिर जा सकती है कि छोटी सी गैस नहीं है उसके पास, इतने बड़े रिसोर्सेज है हमारे, इतनी बड़ी इकोनॉमी है हमारी, एक छोटी सी सुविधा अपने आदमी को नहीं दे पा रहे। इज इट अ फॉल्ट ऑफ व्हाट मैन मैन पावर और मैनेजमेंट, समबडी हैज टू बी अकाउंटेबल फॉर इट। पीपल आर डाइंग, आई एम जस्ट करेक्टिंग यू, वी लॉस्ट 20 पीपल एग्जैक्टली, नॉट 25। बट माई अगेन माई रिक्वेस्ट इज आई वॉन्ट टू गिव योर अटेंशन टू इम्पेंडिंग क्राइसिस विच विल कम इवेंचुअली एट 9 o'clock। उसके लिए मुझे कहीं से प्लीज, जितने आप लोग बैठे हैं जो भी कोई मदद कर सकता करे, मुझे एक टैंकर दिलवाइए सर। मैं हाथ जोड़ के सारे हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भारत सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी, मेरे जो बाकी पेशेंट बैठे हैं उनका भला करो, जो डैमेज हो गया हो गया, उसको अब हम दुरुस्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाली सुनामी को बचा सकते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, अभी तक तो हमने तस्वीरें देखी, सिर्फ मरीज ही हाथ जोड़कर सरकार के सामने गुजारिश करते रहे कि हमें ऑक्सीजन या फिर तमाम दूसरे इंजेक्शन दे दीजिए ताकि हम बच सकें, लेकिन ये इस देश की कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि डॉक्टर को टेलीविजन चैनल पर बैठकर हाथ जोड़कर निवेदन करना पड़ा है कि आप ऑक्सीजन का सिलेंडर हमारे हॉस्पिटल के लिए मुहैया करवाइए। सर, ऐसे दिन क्यों देखने पड़े हमें? डॉक्टर संबित पात्रा। चित्रा जी, डॉक्टर बलूचा हम सबके सीनियर हैं और ईश्वर हमेशा इनकी मदद करे, हम सब इनकी मदद करेंगे, और बिल्कुल सही विषय इन्होंने रखा है। देखिए, एज अ पॉलिटिशियन मेरा विषय है कि मैं तथ्यों को आपके सामने, डॉक्टर जी के सामने और जनता के सामने रखूं, मैं तथ्य रखता हूं। परसों जो प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग ली थी, कितनी ऑक्सीजन डिमांड है देश में, 6785 मेट्रिक टन डिमांड है। कितना परसों तक हमने दिया? 6822 37 मेट्रिक टन अधिक दिया। दिल्ली को हमने कितना दिया देख सकते हैं आप यहां पर, 12 ऐसी कंपनी है जो कुल मिलाकर के दिल्ली को दी गई, जिनमें 480 मेट्रिक टन होगा। अब आज कोर्ट ने चार विषय में, कोर्ट का पढ़ देता हूं मैं, कुछ अपना नहीं जोड़ूंगा, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि सोर्स है, कमी नहीं है सोर्स के पास, वो पहुंच क्यों नहीं पा रही डॉक्टर बलूचा के पास। कोर्ट, एवरी स्टेट इज अरेंजिंग इट्स ओन टैंकर्स, इफ यू आर नॉट हैविंग योर ओन टैंक्स अरेंज देम, यू विल हैव टू डू इट, गेट इन टच विद द सेंट्रल ऑफिसर्स और एनीवन, वी आर नॉट हियर टू फैसिलिटेट दैट, आप अरेंज करिए, ये कोर्ट ने कहा है। सेकेंड, द प्रॉब्लम इज यू थिंक एलोकेशन इज डन सो एवरीथिंग विल बी सर्व्ड एट योर डोर स्टेप, but that is not how it works. After allocation, you have to make effort for the tankers to collect the oxygen. Every other state is doing that. Uske baad, third point, the problem here is that the supply of even 480 metric ton allotted to Delhi is not taking place for several reasons. Few of the reasons are that while for Durgapur, empty cryogenic tanks have been airlifted, Rourkela and Kalinganagar plants don't have tanks for loading. The central government informs us that GNCT government has not arranged for the same. Aur last mein, aap dekhiye, main bahut zyada nahi padhna chahta hoon. Every state is arranging its own tanker. And even those, ye sabse mahatvapurna baat hai, the problem, court कहती है कि आप, दिल्ली सरकार कह रही है कि वो एक नॉन इंडस्ट्रियल स्टेट है, इस कारण से वो ये टैंकर अरेंज नहीं कर सकती है। बाकी राज्य भी जो नॉन इंडस्ट्रियल है वो अपना टैंकर स्टील प्लांट्स में भेज रही है। मैं भी हाथ जोड़ के अरविंद केजरीवाल जी से कहूंगा, दिल्ली सरकार से कहूंगा, प्लीज समय मत गवाइए, आज कोर्ट ने कहा है, आपने 3 दिन गवा दिया है, सोर्सेज आर रेडी, आप सभी सोर्सेज पे अपने टैंकर्स प्लीज भेजिए, ऑक्सीजन लेके आइए और ऑक्सीजन डिलीवर करिए एंड पॉइंट्स में, ताकि हम एक भी मरीज को तो आपने यहां पर कोट कर दिया। लेकिन सर, राजधानी दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल से आप हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, ऐसा ही निवेदन आप देश के दूसरे राज्यों से भी करिए, गुजरात के मुख्यमंत्री से भी कीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कीजिए, बाकी जो भवों से भी कीजिए। सर, ये राजनीति का वक्त नहीं है, ये एक एक इंसानी जाने बचाने का वक्त है। दिल्ली से तो दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें आ ही रही हैं, लेकिन देश का कोई एक हिस्सा आप बताइए जहां से अच्छी खबरें सामने आ रही हो और मरीजों की बहुत ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से नहीं हो रही हो। मैं डॉक्टर रवि मलिक आपके पास आऊंगी, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं एक भी बार नहीं जा पाई थी। मैम, अब सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स की जो पीड़ा है लगातार हम सुन रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग इस वक्त किस दौर से गुजर रहे हैं। यकीनन सभी के लिए ये मुश्किल की घड़ी है, लेकिन डॉक्टर्स की टीम ही अगर इस तरह से मजबूर दिखाई देगी तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। क्या सलाह आप सरकारों को देना चाहेंगे मैम? डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल ठीक कहा आपने, देखिए हमारा बहुत लिमिटेड और क्रूशियल इफेक्ट है इस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स, और उनकी भी कमर टूटती हुई दिखाई देती है जब आप इस तरह के नजारे देखते हैं और आप इस तरह की बेबसी देखते हैं, जहां हम सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे।
अगर आप देखें पिछली फर्स्ट वेव में ही इस तरह के प्रेडिक्शन आ गए थे कि भारत में, बाहर की स्टडीज को छोड़ दीजिए जिन्होंने करोड़ों का प्रेडिक्शन किया, हमारी अपनी IIT की यूनिवर्सिटी ने ये प्रेडिक्शन करे थे कि भारत में 2 लाख के आंकड़े रोज आ सकते हैं। फिर भी हमने उस सबको दरकिनार किया, हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि अगर ये स्थिति भारत में आती है, अगर इस रैपिडिटी से केस आते हैं तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। अगर आप देखें तो सरकार ने कदम भी उठाए थे कुछ, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बोला गया था कि जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है उसका 50% जो है वो खर्च करे, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, जनरेटर्स लगाए, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाए, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं किया गया। और बहुत दुख की बात है कि भारत में जो भी कम्युनिकेशन जनता और सरकार के बीच में होता है वो वन वे है। सरकार वहां से जरूर हाथ खड़े कर देती है, हाथ जोड़ देती है और बोल देती है कि हम आज बेबस हैं, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, अब हम क्या करें, लेकिन जनता उस पर कुछ सवाल नहीं कर सकती। इसीलिए आज हाईकोर्ट की जो रीडिंग्स है मुझे लगता है वो बहुत मायने रखती है और उसको लोगों तक पहुंचना चाहिए कि किस तरह सरकारें सब कुछ होते हुए भी भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन होते हुए भी आज इंसान के पास ऑक्सीजन नहीं है और हम मरते हुए लोगों को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जितने भी पार्टीज हैं, सारी जो पार्टीज हैं, उनको इस वक्त बैठ के सोचना चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे का साथ देकर इस वक्त ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर ये हमें मालूम था कि झारखंड और उड़ीसा में ही हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, तो जरूरत पूरे भारत को पड़ेगी जब महामारी आएगी। महामारी सिर्फ 2 प्रदेशों में नहीं आने वाली है, तो किस तरह का हमने सिस्टम बनाया था कि यहां से वहां तक ऑक्सीजन किस तरह से पहुंचेगी। आज जो भी हम देख रहे हैं वो नीजक रिएक्शन है, जो भी हम अभी देख रहे हैं एक्शन, वो सब विपदा आने के बाद एक्शन हो रहे हैं। ये सब स्ट्रैटेजी, ये सब प्लानिंग पहले से क्यों नहीं थी, पहले से क्यों नहीं ये सब डिसाइड किया गया था कि अगर केस लोड बढ़ेगा, अगर यहाँ से वहां इस स्टेट से उस स्टेट केस लोड बढ़ते हैं तो ये तरीका होगा, इस तरह से स्मूथ मूवमेंट होगा ऑक्सीजन का, इस तरह के प्लांट बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स में प्लांट बनाए जाएंगे ताकि उनको बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन आप देखिए किस तरह से अभी प्लानिंग फेल होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि पहले से प्लानिंग हुई थी, पहले से स्ट्रैटेजी थी। अब जो भी आप रिएक्शन देख रहे हैं वो सब उसको ढकने के लिए और पूरा करने के लिए, लेकिन कम से कम खुशी है कि अब सरकारें एक्टिव हो रही है, देर से ही सही, लेकिन अभी भी इनको अपनी बहुत ज्यादा एक्शन जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपने 2 टैंकर एयरलिफ्ट करवा दिए तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ होने वाला है, आपको और भी ज्यादा तेजी से ये सब काम करना होगा युद्ध स्तर पर। जिस तरह से हम चीन और पाकिस्तान से लड़ाई के वक्त पूरा जो देश होता है एक वॉर मोड में जाता है, मुझे नहीं लगता कि आज हम उससे कम किसी भी स्थिति में खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं सड़कों पे लोग मर रहे हैं, अस्पताल के अंदर लोग मर रहे हैं, अस्पताल के बाहर लोग मर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त सबको इंट्रोस्पेक्शन करने की, सबको सोचने की, देखने की कि आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं या नहीं, आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप जो खासतौर से जो सरकार में बैठे लोग हैं अगर अपना फर्ज पूरा नहीं करेंगे तो डॉक्टर सब कुछ होते हुए भी आप देख रहे हैं कि कितने बेबस हैं, यहाँ आंसू बहा रहे हैं, और आप सोचिए कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी जो एक तरफ संक्रमण से लड़ रहे हैं और एक तरफ इस बेबसी से लड़ रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास मेडिकल सप्लाईज नहीं है, हमारे पास दवाइयां नहीं है जिससे हम अपने मरीजों को ठीक कर सके। और कोई भी डॉक्टर इस बात से खुश नहीं होता है, ना उसको अच्छा लगता है जब वो मरीज से कहता है कि अपनी दवाइयां खुद लेकर आओ, अपने लिए ऑक्सीजन खुद लेकर आओ। हर डॉक्टर यही चाहता है कि जिस अस्पताल में वो काम करता है वो अस्पताल इस चीज के लिए जिम्मेदार हो और वो इन चीजों को लोगों तक पहुंचाए। आप अस्पताल भी इसीलिए जाते हैं कि एक बार आप वहां पहुंच गए तो आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन आज जो आप आलम देख रहे हैं कि लोग अस्पताल पहुंच करके भी दर दर भटक रहे हैं और घरों के लोग भी पैनिक में है, परेशानी में, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि कल को अगर हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमारी जान बचेगी या नहीं बचेगी। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि अगर ये लोग राजनीति, बहुत बड़ी बात आपने कही है, इस बेबसी, इस बदनीयति जो स्थिति इस वक्त बदकिस्मती की पैदा हुई है, आखिर उससे कैसे लड़ेगी अपने आप में बड़ा सवाल है। यकीनन किसी घर में अगर आग लग जाए और उसके बगल में हम गड्ढा खोदकर पानी निकालने की कोशिश करें, मौजूदा वक्त में यही तस्वीर दिखाई देती है, क्योंकि हमने कोई सबक नहीं सीखा पिछले साल से, हमारी तैयारियां उस तरह की नहीं थी और यही कारण है कि आज इस तरह से जगह जगह जलती हुई लाशें या फिर कतारों में लगी लाशें और वहीं अस्पतालों के बाहर दम तोड़ते मरीज, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सप्लाई नहीं हो रही है। और यहां पर उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये कि देश के मरानों के सामने डॉक्टर्स अपनी बेबसी इस रूप में जाहिर कर रहे हैं, जैसा कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप सुन रहे हैं। आप संबित पात्रा, आप सबका जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले डॉक्टर रवि मलिक को जोड़ना चाह रहे थे। डॉक्टर रवि मलिक, आप अपनी ओर से क्या सलाह देना चाहेंगे मौजूदा वक्त में, क्योंकि समय हम सबके पास नहीं है, समय की ही कमी है, ऑक्सीजन तो बाद में आता रहे, बाद में मिल जाएगा, लेकिन अगर तत्काल इसकी सप्लाई नहीं की गई तो न जाने कितने और मरीजों की जान पर आफत बन सकती है। और लगातार अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। डॉक्टर रवि
मैं केवल दो मिनट लेना चाहूंगा, बिना उत्तेजित हुए आपको मैं सिचुएशन ग्राउंड की बताना चाहूंगा। अगर आज सरकार ने अच्छे से ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं किया तो कल जयपुर गोल्डन जैसे हॉस्पिटल्स और निकल के आएंगे, और कल मैं दोबारा आपके प्रोग्राम पे आके गिनवाऊंगा किस किस अस्पताल में। आप ये देखिए, आज कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे मैंने मेल ना भेजी हो, कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जिसको मैंने फोन ना किया हो, और उसके बाद मेरे को दर दर भटकना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज यह, अगर हमारे डॉक्टर्स नर्सेस पैनिक में रहेंगे, हाई अभी ऑक्सीजन खत्म हुई, वो इलाज क्या करेंगे? उनको वो 18-18 घंटे काम करने को तैयार है, सोते भी नहीं है, कोविड से भी शिकार होते हैं, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन भी ना मिले और इतना इस तरह की हैरेसमेंट हो। आज हमारे को हिपोक्रेटिक ओथ जो है उससे हमें शर्म आ रही है कि हम अपनी हिपोक्रेटिक ओथ को पूरा नहीं कर सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, कोई भी ऑफिसर अगर इस तरह से, मैं आपको ऑफिसर का नाम नहीं लेना चाहता, सुबह से मैं 15 फोन कर चुका हूं, 15 उसको मैं व्हाट्सएप मैसेजेस डाल चुका हूं और उसने अभी तक मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। इनकी हेल्पलाइन है 4140400, इसके ऊपर मैं फोन कर चुका हूं। हम कुछ नहीं कर सकते आधे घंटे में करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते आधे घंटे में करेंगे, मरीज मर जाएंगे तब करेंगे क्या? इट इज वेरी सैड सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। और मैं अभी दोबारा से बता रहा हूं, इस तरह की मरीजों की, आज का दिन हिस्टोरिकल ब्लैक डे है हमारे हिंदुस्तान का, आज की डेट नोट कर लीजिए, जब 25 मरीज एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, एक लेवल 3 केयर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से मरे हैं। दिस इज एन हिस्टोरिकल डे एंड इट शुड नॉट बी रिपीटेड इन एनी वे। और मैं ये बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है, कुछ ऑफिसर्स बहुत अच्छे भी हैं, सोनिका मैडम हमारे इधर की डीएम है, उन्हीं की वजह से कुछ मरीज बचे हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे को होनी चाहिए। और एक हॉस्पिटल नहीं है, मैं पूरे हॉस्पिटल्स की तरफ से कह रहा हूं, ये कम से कम 100-150 हॉस्पिटल्स का हजूम है, किसी के 2 घंटे की बची है, किसी के 3 घंटे की बची है, किसी के 4 घंटे की बची है, जरा सा भी 1 घंटा इधर उधर हो गया तो मरीजों की मौत हो जाएगी। कोविड पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन ही मेन ट्रीटमेंट है, और अगर उनकी हमने ऑक्सीजन बंद कर दी, ये आप समझिए जैसे जिंदा व्यक्ति का गला घोट दिया, इट विल अमाउंट टू नेग्लिजेंस, इट विल अमाउंट, ये आपराधिक मामला बनता है। और इसके लिए हमारे को जरूर सारी चीजें, जो भी आपकी हेल्पलाइन आप उसको चूज कीजिए, जो भी आपके ऑफिसर है उनको कहिए रिस्पॉन्ड करें ना हमारे को। और मेरे हॉस्पिटल में इस वक्त केवल 4 घंटे के लिए ऑक्सीजन है, मुझे प्लीज मुहैया कराई जाए, आई नीड लिक्विड ऑक्सीजन एट माई हॉस्पिटल। और ये मैं दम से कह रहा हूं कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं ऑक्सीजन मांग रहा हूं अपने पेशेंट्स के लिए, जो मेरा हक है। ऑक्सीजन इज द असेंशियल बेसिक कमोडिटी, ऑक्सीजन जो है वो एक असेंशियल मेडिसिन है, जिसके बिना मरीज की मौत हो जाती है, मुझे उसकी जरूरत है, सारे अस्पतालों को जरूरत है। मेरी सारी सरकारों से विनम्र विनती है, मरीज को नहीं पता ये ऑक्सीजन सेंटर से आ रही है, अपोजिशन से आ रही है, या स्टेट से आ रही है, या कहां से आ रही है, मरीज को ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरी विनम्र विनती है, नहीं तो मैं कल फिर इसी शो पे रिक्वेस्ट करके आऊंगा, और उसके बाद मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक हमें ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। और कल जयपुर गोल्डन जैसे हॉस्पिटल वाला हादसा एक भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टेकन। सरकारें हमारी सुन रही हैं डॉक्टर्स की बात या फिर नहीं सुन रही हैं, ये बड़ा सवाल है। इसके पहले मैं अपने दोनों राजनीतिक मेहमानों के पास आऊं, डॉक्टर बलूजा आपको जोड़ना चाह रहे थे, प्लीज सर बोलिए अपनी बात। मैडम मैं ये सारा डिस्कशन देख के मेरा सबसे एक इस कंटेक्स्ट में सबको कहना चाहता हूँ, लेट्स नॉट गो फॉर ए, दिस इज ए टाइम फॉर फायर फाइटिंग आई अंडरस्टैंड, बट इन द लॉन्ग टर्म यू हैव टू प्रिवेंट द फायर, वी हैव टू हैव बोथ ए शॉर्ट टर्म थिंकिंग, शॉर्ट टर्म विजन एंड ए लॉन्ग टर्म विजन। नाउ इस समय जो इमरजेंसी हमारे को आ रही है वो डेज या वीक्स वाली नहीं है, इट इज आवर्स एंड मिनट्स एंड सेकेंड्स। आवर पेशेंट्स लेवल एंड आवर सेंसिटिविटी एंड रिजर्व लेवल्स आर सो बैड that a delay of 5 minutes can cost you 500 lives. So this kind of, you know, perception has to be there as a humanitarian sensitive index with everyone, including the politician, including the administrators and the management people. Again, I'm reiterating, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, मेरे पास में 8 बजे के बाद अभी तक 5:30 बजे हैं, कोई भी अभी तक alternate नहीं है कि मेरे patients का क्या होगा। और ऐसे स्थिति में जो patients हैं उनको कहीं कोई shift भी नहीं कर सकता, कोई उनको दूसरा हॉस्पिटल एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, एवरीबॉडी इज अंडर ए क्राइसिस। इसका कोई एक एक, एक जिसको कहते हैं ना आप, एक फ्लाइंग स्क्वाड टाइप कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जो ओवरली बेसिस क्राइसिस को ओवरली बेसिस पे ट्रीट करे, ये नहीं क्राइसिस आपका ओवरली है, सोल्यूशन आप वीकली निकाले उसका। डॉक्टर संबित पात्रा, दोनों ही बड़े डॉक्टर को आप सुन रहे हैं, और साथ ही डॉक्टर स्वाति ने भी यहां पर तमाम बड़ी बातें कही है।
दूसरी सरकारों पर ठीकरा फोड़ने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है एक ऐसे दौर में जब महामारी इस कदर फैल रही हो। अब आप किस तरह से, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, बड़े प्रवक्ता आप हैं, किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे डॉक्टर्स को आप, ताकि जल्द से जल्द इन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई मिले। और आज ये टेलीविजन चैनल के माध्यम से आप लोगों तक बातें इसलिए पहुंचाने के लिए मजबूर है क्योंकि फोन करने के बावजूद कोई सुनता नहीं है इनकी, बार बार बताने के बावजूद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है इनकी बातों पर। डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं टीवी चैनल में कह दूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग देखेंगे, कुछ ना कुछ कर ही देंगे, या तथ्यों को सामने रखा जाए। मुझे लगता है साइंटिफिकली तथ्यों को सामने रखना चाहिए। दोनों डॉक्टर्स की एक शिकायत है, दोनों बहुत सीनियर डॉक्टर है, शिकायत है कि हम परेशान हैं और हम नोडल ऑफिसर्स को फोन कर रहे हैं, नोडल ऑफिसर 15-15 हमारे फोन, व्हाट्सएप मैसेज इत्यादि पाने के बाद भी हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। 5-7 नोडल ऑफिसर सरकार ने, दिल्ली सरकार ने बनाया है, और आज मैंने कई चैनलों में देखा कि चैनल्स ने भी एक ऑपरेशन करके नोडल ऑफिसर्स को फोन किया, फोन उठा नहीं। देखिए मैं एक सुझाव दूंगा कि अगर दिल्ली सरकार को लगता है कि वो नोडल ऑफिसर्स मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे कि केंद्र सरकार अपने नोडल ऑफिसर्स बैठाए। अगर ये चिट्ठी लिखा जाएगा तो ऑफकोर्स हम अपने नोडल ऑफिसर्स बैठाएंगे, पहले इनके तरफ से आए कि हम अपने नोडल ऑफिसर्स के माध्यम से ये मैनेज नहीं कर सकते। दूसरी बात है, जहां तक ऑक्सीजनेशन का सवाल है, डॉक्टर साहब भी जानते हैं 3,300 मेट्रिक टन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन पर डे हो रहा है। मैं आपको आज तक के चैनल पे बता दूं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में अफरा तफरी और प्रॉब्लम है क्योंकि टैंकर्स इत्यादि की कमी है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट की कमी हो रही है। इसमें दिल्ली सरकार को चाहिए, अभी आइनॉक्स के बारे में डॉक्टर बलूचा ने कहा, आइनॉक्स का ये चिट्ठी है 28 पेज का चिट्ठी है, मैं लेके सारे तथ्यों के साथ बैठा हूं। आइनॉक्स अपने चिट्ठी के एंड में क्या कहती है, वो कहती है वी विश टू एश्योर यू आइनॉक्स इज फुल्ली कमिटेड टू सपोर्ट इन दिस बैटल एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू वेरियस हॉस्पिटल एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड एम्पावर्ड ग्रुप 2। हाउएवर वी नीड क्लियर कम्युनिकेशन फ्रॉम यू फॉर योर एलोकेशन प्लान फॉर द रिमेनिंग 28 हॉस्पिटल ऑन इमीडिएट इफेक्ट। इन्होंने उदित जी को, उदित प्रकाश राय जी को चिट्ठी लिखा हुआ है कि अभी तक हमें 28 हॉस्पिटल, जिसमें कि जयपुर गोल्डन का भी नाम है, वो नाम आप यहां देख सकते हैं, जयपुर गोल्डन को 3.6 मेट्रिक टन एलोकेशन की बात की गई थी, अभी तक क्लियर इंस्ट्रक्शन हमें नोडल ऑफिसर की तरफ से नहीं दिया जा रहा है कि हमारी गाड़ी किधर डाइवर्ट होगी। मैं प्लीज अरविंद केजरीवाल जी से किसी प्रकार की राजनीति नहीं करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा, आप यथाशीघ्र नोडल ऑफिसर्स को दुरुस्त करिए या चिट्ठी लिखिए कि हम नोडल ऑफिसर दे, केंद्र सरकार नोडल ऑफिसर देगी और हम मैनेज करेंगे। और दूसरी बात है, यथाशीघ्र ये क्लैरिटी दीजिए कि कौन से हॉस्पिटल में जाएगा, ये तुरंत आप डिसाइड सर। ठीक है सर, बत्रा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर एससीएल गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपसे मैं जानना चाहूंगी आपके हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, कितने कुल पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है और वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई के क्या हालत है, आप किस तरह से अपनी बात रखना चाहेंगे डॉक्टर गुप्ता? डॉक्टर गुप्ता, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, चूंकि तमाम डॉक्टर्स यहां पर अपनी पीड़ा जता रहे हैं, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है जबकि मरीजों को ऑक्सीजन की तत्काल दरकार है, 5 मिनट की देरी भी कई मरीजों की जान ले सकती है, ऐसे में बत्रा हॉस्पिटल की स्थिति राजधानी दिल्ली में क्या है? डॉक्टर गुप्ता, आप क्या बताना चाहेंगे, आपकी स्थिति, आपके हॉस्पिटल की हालत अभी क्या है ऑक्सीजन के मामले में? बहुत ही खराब हालत है। हमारे अस्पताल में रोजाना करीब 8,000 लीटर लिक्विड मेडिकल गैस की जरूरत है। पिछले 48 घंटों में मात्र हमको 4,500 लीटर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। 500 बेडेड हॉस्पिटल है, कल तक 352 पेशेंट थे, आज 300 पेशेंट बचे हैं जो हमने डिस्चार्ज कर दिए, काफी सारे पेशेंट। 300 में 48 पेशेंट आईसीयू में है, आईसीयू में हाई फ्लो एंड 100% ऑक्सीजनेशन होता है। आइनॉक्स से हम रेगुलरली पूछ रहे हैं, उन्होंने सप्लाई या तो फोन नहीं उठाते, उनके यहां तो अगर जाइए तो बदतमीजी से बात करते हैं। दिल्ली सरकार में पिलर से पोस्ट हम लोग दौड़ते हैं लेकिन किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिलती है और पेशेंट परेशान होते हैं। चिकित्सक इलाज करने के लिए होता है, ऑक्सीजन के लिए दौड़ने के लिए नहीं होता है।
अस्पताल को कोविड बनाया गया है, कोविड अस्पताल सरकार ने बनाया है, तो कोविड से जुड़ी हुई हर, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे रेमडेसिविर हो, कोई भी चीज हो, उसकी सप्लाई सरकार को ही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। पेशेंट यहां पर आ जाते हैं और इसके बाद हम कहते हैं अभी आज ऑक्सीजन नहीं है, आज दो घंटे बाद अब खत्म हो जाएगी। सुबह 7 बजे आज वो पोजीशन थी कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची और 9:30 बजे हमें 500 लीटर ऑक्सीजन दी गई। 500 लीटर ऑक्सीजन जब 8,000 की यूनिट की डेली की खपत है तो मात्र घंटे डेढ़ घंटे की हुई और घंटे डेढ़ घंटे के बाद 11 बजे हमारी ऑक्सीजन टोटल खत्म हो गई। आईसीयू एंड पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई, लोग अपने अपने सिलेंडर लाने लगे, हम आईसीयू अपने पुराने सिस्टम से सिलेंडर्स में चलाने लगे। अरे एक सिलेंडर में 5 लीटर 7 लीटर जगह होती है ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, अगर इस तरह से चलाना है तो कैसे चलेगा आपको। और इसके बाद भी हम कल कोर्ट गए थे, कोर्ट से डायरेक्शन देने के बावजूद, और आज कोर्ट ने भी बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन दिए हैं, पर इसके बावजूद भी आज अभी 1500 किलोग्राम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्राप्त हुई है, जो 10 बजे के बाद फिर वही इमरजेंसी लगने वाली है जो अभी सुबह लगी हुई थी। इस तरह से कोविड का इलाज नहीं हो सकता। आपको भी पता है कि अगर कोविड में एक चीज बिल्कुल किसी तरह का कोई जिसपे क्वेश्चन मार्क नहीं है वो है ऑक्सीजन थेरेपी। सर ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, 3 महत्वपूर्ण बातें जो डॉक्टर गुप्ता की बातों से समझ में आई। पहला ये कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए वो फोन लगाते हैं अधिकारियों को, सरकारों को, उनके मुलाजिमों को, तो वहां से बदसलूकी की जाती है। उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने कहा कि बार बार ऑक्सीजन मांगने पर भी जितनी जरूरत है उससे बहुत थोड़ा, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा जितनी स्थिति रहती है इन तमाम हॉस्पिटल्स में जिनके डॉक्टर्स को लगातार आप सुन रहे थे। और तीसरी बड़ी बात उनकी ओर से ये कही गई है कि कोविड का इलाज इस तरह से नहीं हो सकता। अगर देश के जाने माने बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स का यह हाल है, उनके अस्पतालों का यह हाल है, तो जरा सोचें कि मौजूदा स्थिति में देश, राजधानी दिल्ली या अलग अलग अस्पताल किस कदर जूझ रहे हैं। यह संकट खत्म कब होगा यह बड़ा सवाल है। इसी वजह से सरकारों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि पॉलिटिक्स खत्म कीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, ताकि एक एक जान को, एक एक जिंदगी को हम बचा सकें। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया दंगल में हिस्सा बनने के लिए। इस देश के सिस्टम के निकम्मेपन, नाकारेपन और नाकामियों का जिंदा दस्तावेज हमारे सामने है। जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत के कारण अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं, यह स्थिति खत्म कब और कैसे होगी अपने आप में बड़ा सवाल। इसी वजह से बार बार हम सब जो इस देश का आम आदमी है, जो आम लोग हैं, वो सरकारों से गुजारिश कर रहे हैं कि अपनी राजनीति बंद कीजिए और जिंदगी को बचाइए।